हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक और शानदार सेशन, जहां पे हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का 5.6 का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये चैप्टर आधारित है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पे, यानी डिफरेंशिएशन के अंदर में, यानी अवकलन के अंदर हमारा एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसी फॉर्म से संबंधित हमारा चैप्टर है जो 5.6 का चैप्टर आपके पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यानी प्राचल फलन जो होते हैं उनका फॉर्म का कंसेप्ट क्या है, और फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होगा, क्या हमारे पास क्वेश्चन को प्रोसीड करने का, बनाने का हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, क्या हम कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, कैसे कंसेप्ट को यूज करेंगे, प्रॉपर कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, और उसके बाद ही हम लोग करेंगे 5.6 का सॉल्यूशन। जितना संभव हो पाएगा आज हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स है आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप मेरे द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वहां से आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। मैं डेली सुबह में आपको 8 बजे लाइव मिलता हूँ, आपको प्रीमायर क्लासेस के जरिए मैं डेली सुबह 8 बजे मिलूंगा, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, और अपने सवालों का जवाब कमेंट करके डायरेक्ट मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे, अगर आप चैनल देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपको आने वाला है आज बहुत ही मजा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा रहेगा आज का 5.6, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचल। तो सबसे पहले देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राचल। ठीक है, रूप। ठीक है, प्राचल रूप। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिख देते हैं जरा सा, एक बार जरा कंसेप्ट समझेंगे। जैसे हमारे पास एक फलन है, यदि कंसेप्ट को समझिएगा जरा सा, यदि y बराबर क्या है, f(x). ठीक है, यदि y बराबर f(x) नहीं, बेसिकली हम क्या ले लेते हैं, कुछ दूसरा टर्म फॉर्म ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा y बराबर f थीटा, अगर आपको मिल गया कोई फंक्शन y बराबर f थीटा दिया हुआ है। ठीक है, एवं x बराबर f थीटा दिया हुआ है ना, x बराबर f थीटा, और y बराबर क्या दिया है आपको, g थीटा। अगर आपको दो फलन दिए गए हैं, एक तो आपको x बराबर f थीटा और दूसरा दिया आपको y बराबर g थीटा, अगर आपके पास दो फलन दिए गए हैं तो इनका यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन होगा, जरा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो थीटा के टर्म में दिया हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy बाय dx, ये लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx जो लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को, तो dy बाय dx बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, है ना, यानी कहने का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, ये लिखते हैं ना, x के सापेक्ष अवकलन, प्रॉपर कंसेप्ट आराम से समझिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x को ही लिखते हैं dy बाय dx, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया x इक्वल टू f थीटा और यहाँ दिया है y इक्वल टू g थीटा। ठीक है, दो अलग अलग तो टर्म दिया हुआ हमारा थीटा के टर्म में, और x अलग दिया, y अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई जनरली सवाल, अगर आप समझ ले, मान लेते हैं आपके पास सवाल दिया सिंपल, कि अगर आपसे बोला कि सवाल y इक्वल टू साइन थीटा दे दिया, ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा दे दिया, और आपसे कहे कि बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष, x होगा तो x के सापेक्ष, अगर t होगा तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, देख रहा कंसेप्ट। अगर ये y बराबर साइन थीटा है, या फिर y बराबर हमारे पास लिख दिया साइन t लिख दिया, या इसी सवाल को हम लिख दें y बराबर साइन कितना, साइन x।
अब देखो तीनों क्वेश्चन एक ही है, बनाने का तरीका लिखने का तरीका थोड़ा सा अंतर है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे dy by dθ, यानी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अच्छा यहाँ पे t है, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dy by dt, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब t होगा तो dy by dt यानी t के सापेक्ष करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy by dt यानी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो sin t का कितना हो जाएगा cos t, क्लियर है। अच्छा अगर x लिखा रहेगा तो आप जानते हैं किसके सापेक्ष करते हैं, dy by dx लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos x। तो ये आपका बेसिक अंतर है किसी भी फॉर्म को डिफरेंशिएट करने का, अगर थीटा में दिया है तो थीटा के सापेक्ष, टी में दिया है तो टी के सापेक्ष, और एक्स में दिया है तो एक्स के सापेक्ष, वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे अगर निकला चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, है ना, और फिर हम कंसेप्ट को समझते हैं, क्लियर है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास है एक्स इक्वल टू एफ थीटा, ठीक है। तो अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, पहले वाले को कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा आपको dx by d थीटा, बनेगा ना dx by d थीटा। अगर आपके पास फलन होता है y बराबर fx होता है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, लिखते हैं dy by dx equal to f dash x, यही बेसिक कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, dy by dx equal to f dash x लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर लिखा है x बराबर f थीटा तो क्या लिखेंगे, dx by d थीटा equal to f डैश थीटा, ये लिखा जाएगा, ये आपका बनेगा समीकरण वन जो हमारे पास था, हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, क्लियर है। अच्छा दूसरा वाला क्या है, y बराबर g थीटा है, तो लिख देते हैं इसको भी, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे dy by d थीटा, तो जब dy by d थीटा लिखेंगे इसको तो लिखेंगे क्या, g के साथ, मतलब बेसिकली थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे g डैश और क्या थीटा, तो ये बनेगा आपको g डैश थीटा, बनेगा ना, ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण टू आपका चलाएगा। ये f डैश थीटा बना है ना, ये आपको f डैश थीटा बना है, और ये क्या बना आपका g डैश थीटा बना, हमारा डिफरेंशिएशन कर लिए। लेकिन बेसिक हमको निकालना क्या है, दो आपके पास फलन देगा, दो अलग अलग टर्म में, एक तो x देगा और दूसरा y देगा, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि dy by dx का मान कितना होगा, यानी डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला dx by dθ, हमने निकाला dy by dθ, अब दोनों को प्रॉपर यूज करके हम निकालेंगे dy by dθ। तो जरा देखिए dy by dθ कैसे निकालेंगे, जो कुछ भी चीजें लिखने वाली होंगी, अगर आपको लगे कुछ लिखने वाला है तो आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे आगे। अब लिखेंगे समीकरण, dy लाना है तो dy किस में है, दो में है, और नीचे में dx चाहिए तो dx किस में है, एक में है, तो हम करेंगे क्या, समीकरण दो में भाग लगा देंगे किसका, समीकरण एक का, समीकरण दो में भाग लगा देंगे एक का, तो समीकरण दो में जब एक से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए क्या लिखेंगे, dy by d थीटा, ये किसका था, समीकरण दो वाला, पहले वाला इधर बाएं साइड का, अच्छा, और ये वाला क्या था आपका, था dx by d थीटा, मेन बट्टा कौन हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा इधर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, g डैश थीटा ऊपर लिखेंगे, ये आपका हो गया g डैश थीटा, है ना, यहाँ पे बनेगा आपको g डैश थीटा, सॉरी x नहीं है, बेसिकली क्या है, थीटा ही है ना, g डैश थीटा, और ऊपर में नीचे में कौन जाएगा आपको, f डैश थीटा आपको नीचे में चलाएगा, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहां से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, और ये आपको बन जाएगा जी डैश एक्स अपॉन कितना, एफ डैश एक्स, और ये ही आपका आता है कंसेप्ट जो किसी भी प्राचल फलन को डिफरेंशिएशन करने के लिए जरूरी होता है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, क्या कंसेप्ट है फिर से समझे, आपको एक x दिया रहेगा थीटा के टर्म में या फिर t के टर्म में, तो आपको x का डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म में होगा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, पहले x का समीकरण एक मान लेंगे, दूसरा समीकरण y बराबर दिया रहेगा समथिंग, तो उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा वो हमको उसका समीकरण दो मान लेंगे, ठीक है, और y वाले को जब डिफरेंशिएट किए हैं तो समीकरण दो में हमेशा किसका भाग लगाएंगे, एक का, तो दो में भाग लगा दिया हमने एक का, तो आपको मिल जाएगा dy by dx मिल जाएगा।
अब जब डीवाई बाई डीएक्स मिल गया तो यहाँ से मिला जी डैश थीटा और एफ डैश थीटा, यानी नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी जो समीकरण का पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट प्राचल का। तो ये कंसेप्ट आप आराम से इसे लिख ले, अगर आपने नहीं अगर इसका कंसेप्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो कंसेप्ट आराम से नोट करें। कभी भी प्राचल को डिफरेंशिएशन करने का, उसका अवकलन निकालने का यही तरीका होता है। अब कंसेप्ट के बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कितना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो पाता है आज के सेशन में। 5.6 है आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का 5.6 कंसेप्ट हमारा है प्राचल फलनों पर आधारित डिफरेंशिएशन, यानी प्राचल फलनों पर से रिलेटेड आपका अवकलन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया कि आपको एक एक्स दिया रहेगा और एक वाई दिया रहेगा, क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा केस क्या रहेगा, हम एक्स को उठाएंगे तो क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। अब टी है तो क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लिखेंगे टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो पहला वाला है तो एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी। तो टू है तो टू कॉन्स्टेंट है वो रह जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है वो रह जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू टी, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर का टू टी, यानी बनेगा कितना, इसको जरा लिख देते हैं सजाकर, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू बनेगा आपको दो दुना का फोर ए टी, यानी चार ए टी हो जाएगा, है कि नहीं, ये आपका समीकरण वन हो जाएगा। चलेगा, दूसरे में चलते हैं, dy by dt, इसको भी t के सापेक्ष करेंगे कि t है ना। अब a है तो a तो रहेगा, t का पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो पावर वाला केस में जानते हैं पावर बगल में पावर माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस वन, बहुत फेमस है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 4 कहाँ आएगा, 4 आपको बगल में आएगा, और फिर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे और 4 में से एक घटा लेंगे, यानी 4 में से एक गया 3, तो ये क्या बनने वाला है आपको, तो ये आपको बनेगा dy by dt इक्वल टू 4 a और क्या हो जाएगा t cube बन जाएगा ना, ये आपको समीकरण हो जाएगा समीकरण सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या कि समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा dy by dx। तो चलिए भाग लगा दिया जाए, 2/1, जब 2 का भाग लगा देंगे हम 1 का तो 2 है हमारे, क्या हमारे पास क्या है, dy by dt और यहाँ पे है dx by dt, ठीक है, लिखेंगे dy by dt upon dx by dt, ठीक है, इक्वल टू ऊपर में कौन जाएगा 4at क्यूब और नीचे में क्या आ जाएगा 4at, तो ये 4at क्यूब और नीचे में आएगा 4at, ठीक है। अब 4a से 4a कट गया, एक t से यहाँ t कट गया, बचेगा क्या आपको t का स्क्वायर, यहाँ dt से dt कट गया, आंसर क्या आ गया dy by dx इक्वल टू आपको आंसर मिल गया t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया, कंसेप्ट ये है कि आप सबसे पहले dx by dt निकालिए, उसके बाद dy by dt निकालिए, समीकरण दो को समीकरण वन से भाग लगा दीजिए, ठीक है, आपका निकल के चला आएगा आंसर, यानी जो dy by dx आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम आपकी आपको होगी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ सामने में उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, चलेंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx by dt, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, चलेंगे फास्ट फास्ट, ठीक है, dx by dt, तो a है तो a रहेगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, तो ये आपको लग जाएगा माइनस और ये क्या लिख देंगे sin थीटा, ये आपका समीकरण हो गया वन, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला करते हैं, ये आपको बनेगा क्या dy by dt, है ना, थीटा के सापेक्ष तो करना है, तो b है तो b तो लिखेंगे, b का b हमारा रहेगा, ठीक है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड, चलेगा, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन। क्या करते हैं, इक्वेशन दो में भाग लगा देते हैं किसका, वन का, तो भाग लगा देते हैं dy by d थीटा अपॉन में क्या आएगा dx by d थीटा, यही आएगा ना dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर और इसको लिखेंगे नीचे, यानी आपको आएगा माइनस का b sin थीटा और नीचे में कितना
माइनस का ए साइन थीटा। आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कटा, माइनस से माइनस कटा, आंसर क्या बन जाएगा आपका, यानी आपको dy बाय dx जो यहाँ से डी थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस का b अपॉन कितना a, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्लियर है, आई होप कि इसे भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, आराम से इसे नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है देखते हैं, x इक्वल टू साइन t लिखा और y बराबर लिखा है cos 2t, ठीक है। तो ये सब t में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे भाई, t के सापेक्ष। तो चलिए कर लिया जाए, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा t, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो देखिए करते हैं फॉलो, तो x का t के सापेक्ष तो लिखेंगे dx by dt होगा इक्वल टू साइन टी है तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कॉस टी, समीकरण बन गया आपका वन, है ना। अच्छा दूसरा चलते हैं डीवाई बाय डी टी, तो डीवाई बाय डी टी जब लिखेंगे तो ये डीवाई बाय डी टी तो हो जाएगा टी के सापेक्ष, तो कॉस टी का होता है माइनस का साइन, तो ये कॉस टू टी है तो माइनस का साइन टू टी। अब माइनस का साइन टू टी तो हो गया, लेकिन टू टी में से क्या होता है निकल के आता है बाहर आपको टू, यानी जो टू टी जो गुना होगा उसका जो गुणज होगा उसको बाहर में हम लोग लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, समीकरण सेकंड में भाग लगा दिया हमने समीकरण फर्स्ट का। जब समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का भाग लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है, ये आपको बनेगा डी वाई बाय डी टी और नीचे में आएगा क्या आपका डी एक्स बाय डी टी बनेगा ना इक्वल टू, यहां बनेगा माइनस का टू साइन टू टी, है ना, और नीचे में क्या आएगा कॉस टी आपको आ जाएगा। अब यहां से कुछ कट रहा है क्या, यहां से आप देख सकते हैं डी टी से डी टी कट गया, लेकिन इधर वाले हिस्से में नहीं कट रहा है, इधर क्या बच गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू साइन टू टी अपॉन में कितना कॉस टी। अब अगर आपने ट्रिगो को बढ़िया से पढ़ा हुआ है, बढ़िया से आपको ट्रिगो का कंसेप्ट सही है आपके कंसेप्ट में, आपको कंसेप्ट पे पकड़ है ट्रिगो से संबंधित, तो साइन टू टी या फिर साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जरा देख लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये हर किसी को याद होना चाहिए, जगह जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। तो ये साइन टू टी लिखा हुआ है, तो हम इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे देखिए जरा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये माइनस का टू है, तो टू फॉर्मूला साइन टू टी का क्या होता है टू साइन टी इंटू कॉस टी, यही बनेगा टू साइन टी इंटू कॉस टी, और नीचे में क्या है आपको कॉस टी पहले से लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, बचा क्या टू इंटू टू फोर, यानी आंसर क्या बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का फोर और साइन कितना हो जाएगा टी, और यही आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, कंसेप्ट को बेहतर तरीके से ये कोर्स सेट करेंगे, और ये फॉर्मूला जिसको भी याद ना हो वो प्लीज फॉर्मूला को याद कर लेगा, ताकि उससे कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन का कोई भी कंसेप्ट फंसे नहीं। अगर आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप तो बना तो दिए हैं लेकिन आपका आंसर मैच बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद कर लेंगे और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथमेटिक्स की और भी शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं, है ना, और मुझे इंकरेजमेंट मिले, मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपको 11th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको बेसिक कमजोर है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके 11th की बेसिक मैथमेटिक्स को देख सकते हैं, ताकि आपको 12th के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अगर आपको बेसिक कमजोर है तो प्लीज वहां जाके आप वीडियो को देख लें, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, जहां से आपको ये चीजें सारी स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 4 बाय t, ये सवाल दिया हुआ है। तो जब ये सवाल दिया हुआ है तो कैसे इसको हम लोग सेट करेंगे देखिएगा, t के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे,
तो ये आपका बनेगा dx बाय dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 है और साथ में t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या बच जाएगा 4, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा वाला कर लेते हैं, ये बनेगा dy बाय dt, तो ये बनेगा अब 4 बाय t लिखा हुआ है। अब ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जरा याद करिए। ठीक है, आपको 1 बाय x का डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x स्क्वायर, वो भी किसने, माइनस का 1 बाय x स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 बाय t लिखा हुआ है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा समझिएगा। तो y इक्वल टू 4 बाय t हमारे पास लिखा हुआ है, तो 4 बाय t का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जरा देख लेंगे। ये आपका कंसेप्ट होता है u बाय v का। ठीक है, u बाय v का कंसेप्ट होता है आप जानते हैं, तो u बाय v का कंसेप्ट कैसे सेट करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो जब लिखेंगे हम dy बाय dt, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी 4 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे वाला ज्यों का त्यों, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 और ऊपर वाला ज्यों का त्यों बटा किसका स्क्वायर होता है, नीचे वाले का कर देते हैं हम लोग स्क्वायर, और ये कंसेप्ट आपका चलता है u बाय v में। तो इसका जब करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो चलिए देखिए, ऊपर वाला 4 है तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे वाला t तो ज्यों का त्यों, माइनस नीचे वाले t का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाला 4 ज्यों का त्यों, और नीचे में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी क्या लिख देंगे, t का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो ये तो 0 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, माइनस का 4, यानी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाय dt इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा समीकरण सेकंड आपका बन जाएगा, चलेगा। अच्छा, अब ये समीकरण सेकंड बन गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये क्लियर है, आप इसे नोट कर लेंगे, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 बाय x स्क्वायर। देखिए अब हमारा समीकरण 1 भी निकल चुका है, समीकरण 2 भी निकल चुका है, करेंगे क्या, सिर्फ डिफरेंशिएट, और इसको समीकरण 2 का भाग लगा देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या आया है हमारे पास, dy बाय dt, इधर लगेगा आपको dx बाय dt का भाग, इधर क्या आया है, माइनस का 4 बाय कितना t स्क्वायर, और मेन बट्टा में कौन है आपका, आपको कौन जाएगा, ये आपको 4 चला आएगा, है कि नहीं, समीकरण 1 वाला आएगा नीचे। ठीक है, अब ये देखिए, t से dt से dt कटा, dy बाय dx, और अब ये मेन बट्टा, अब 3 बट्टा तो चलेंगे नहीं, 2 बट्टा तो चलेंगे नहीं, मेन बट्टा के अंदर हम किसको लेके चलेंगे, t को, ये बनेगा माइनस का 4 अपॉन कितना, 4 इंटू टी स्क्वायर, कहाँ आ जाएगा, नीचे में, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या बनने वाला है आपका, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कितना t का स्क्वायर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो ये आपका रहा तो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि ये अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आराम से इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, हम पढ़ रहे हैं प्राचल फलनों का अवकलन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। मैं डेली आपको सुबह में प्रीमायर क्लास के अंतर्गत लाइव आता हूं, और आपके लाइव क्वेश्चन का आंसर सुबह 8 बजे आपको वहीं पे, आप लाइव में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहीं पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा, तो आप जरूर लाइव जरूर आए सुबह 8 बजे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो वही है, कंसेप्ट क्या है, थीटा के सापेक्ष, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाय डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, कॉस का माइनस साइन होता है, फिर माइनस लिखा हुआ तो माइनस रहेगा, कॉस टू थीटा है तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपको माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और क्या लिखेंगे साइन टू थीटा, और इस टू थीटा में से क्या निकल के आएगा, आपको टू निकल के चला आएगा। तो इसको जरा सजा देते हैं, तो ये बनेगा dx बाय डी थीटा इक्वल टू, ये बना आपको टू साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा आपको बनेगा, ये बना आपका समीकरण कौन सा फर्स्ट। क्लियर है, हमने 2 साइन 2 थीटा को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अच्छा, दूसरा चलते हैं, इसको लिखेंगे dy बाय डी थीटा, अब जब हमने इसको dy बाय डी थीटा लिखा तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है क्या, कॉस थीटा, और यहां साइन 2 थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस
टू थीटा, और इसमें से निकलेगा क्या आपको, इसमें से टू आपको निकल के चला आएगा। इसको जरा सेट करें तो क्या बनेगा, डीवाई बाय डी थीटा इक्वल टू ये बनेगा कॉस थीटा माइनस का टू पहले लिख देते हैं और माइनस का टू कॉस टू थीटा आपको निकल के आ जाएगा और ये बनेगा समीकरण सेकेंड। क्लियर हो रहा है आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से? अच्छा, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकल चुका है, हमको क्या चाहिए, समीकरण दो में भाग लगाना है किसका, एक का, है कि नहीं। समीकरण दो में जब एक का भाग लगा देंगे तो आपको निकल जाएगा आंसर, तो देखिए भाग लगा देते हैं। तो अब तो हम बहुत परिपक्व हो चुके हैं कि हम जानते हैं कि जब भी समीकरण दो में समीकरण एक का भाग लगाते हैं तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा डीवाई बाई डीएक्स निकल के आएगा ही आएगा। तो डायरेक्टली लिख दे क्या, डीवाई बाय डीएक्स, अब हमने लिख दिया डीवाई बाई डीएक्स, ठीक है, क्योंकि थीटा से डी थीटा से डी थीटा कट जा रहा है, ऊपर में कौन जाएगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला जाएगा नहीं, क्या है कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा ऊपर चला गया और नीचे में कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी टू साइन टू थीटा माइनस का कौन सा साइन थीटा, तो ये आपको आएगा टू साइन टू थीटा और माइनस का कितना साइन थीटा। और आई होप यही आंसर दिया होना चाहिए आपको और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, साइन टू थीटा का जब डिफरेंस कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है साइन टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा, लेकिन उसमें से टू थीटा में से क्या निकलता है, टू निकलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो आराम से इसे नोट कर ले और फिर या फिर चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ दिया है y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं सेट करते हैं, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ये आपका प्रॉपर सेटअप है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिख दिया हमने, x को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे dx बाय d थीटा लिखेंगे, a हमारे पास पहले रहेगा ना, ये कांस्टेंट है तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा है तो माइनस लगेगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। क्या हमने किया, ए बाहर था कॉन्स्टेंट है रख दिया वैसे ही, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो 1 होता है, उसी तरह से थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस था तो माइनस लगा हुआ है। दूसरा वाला करते हैं dy बाय डी थीटा, तो जब dy बाय डी थीटा लिखेंगे तो a तो बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का sin थीटा, ये आपको बनेगा समीकरण सेकंड, बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड बन गया तो इसको जरा सेटअप कर लेते हैं, ये बना dy बाय d थीटा इक्वल टू माइनस है तो माइनस आ जाएगा और a है तो a और क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये आपका बना है हमारा समीकरण सेकंड, यहां से मिटा देते हैं, समीकरण सेकंड ये आपका फाइनल बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो अब हमारा क्या होगा स्टेप, अब हम करेंगे समीकरण दो का समीकरण एक से भाग, तो समीकरण दो को लिख देते हैं समीकरण दो भागा समीकरण एक, तो समीकरण दो में जब एक का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा आपको dy बाई डी थीटा ऊपर और नीचे में कौन जाएगा dx बाई डी थीटा, तो लिख देते हैं dy बाय डी थीटा और नीचे में आएगा आपको dx बाय डी थीटा। अच्छा, अगला वाला माइनस का a साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो माइनस का a साइन थीटा हमारा चला गया ऊपर और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका a इंटू वन माइनस कॉस थीटा आपको चलाएगा, तो आप देख सकते हैं d थीटा से d थीटा कैंसिल, a से हमारा a कट गया, बचा क्या dy by dx इक्वल टू ये साइन थीटा बचा हमारे पास है ना, और नीचे में क्या बचा 1 माइनस cos थीटा हमारा बच गया। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, आंसर इसलिए कंप्लीट नहीं होगा क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिगो का एक बेहतरीन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देंगे, हाफ एंगल फॉर्म में आप जानते होंगे हाफ एंगल का कंसेप्ट जो होता है हाफ एंगल, ठीक है, हाफ एंगल में साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, हाफ एंगल में जब हम साइन थीटा को लिखते हैं तो साइन थीटा को लिखते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू,
ये आपको फॉर्मूला, ये भी आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही याद होना चाहिए। कभी कभी हाफ एंगल का कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं साइन थीटा के बदले में 2 sin θ/2 × cos θ/2। क्लियर है? अच्छा, और उसी में 1 cos θ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग 2 sin²θ/2। ये भी फॉर्मूला आपको इस्तेमाल किया जाता है किसके कंसेप्ट में, हाफ एंगल के अंदर में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको रुक जाते हैं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करेंगे। हमने क्वेश्चन जो भी अभी तक बताया आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको लाइव जब आप 8 बजे आएंगे वहां पे आपको डायरेक्ट कमेंट पूछ सकते हैं, आपको वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आप नोट कर लिए होंगे, हम इसे रफ करते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा यहाँ से क्या बनने वाला है। अब ये साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 × cos θ/2। नीचे में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin²θ/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देख सकते हैं 2 से 2 हमारा कट गया, sin θ/2 और यहाँ स्क्वायर में है तो 1 sin θ/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपको dy/dx = ऊपर में बचा आपको cos θ/2 और नीचे में क्या बच जाएगा sin θ/2। अब जानते हैं cos बटा sin होता है cot, तो cos θ/2 / sin θ/2 क्या बनेगा, आपको बनेगा cot θ/2। तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखेंगे dy/dx = कितना हो जाएगा cot θ/2, और ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज हम ध्यान देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको माइनस छूटा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, है कि नहीं, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, सारा कुछ ठीक है, बस यहाँ पे एक आपको लग जाएगा आके माइनस। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो हमने माइनस लगा दिया है साइन थीटा में, सूत्र में भी माइनस लगेगा, यहाँ से साइन थीटा कटा, बचा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 2 से 2 हमारा कट चुका है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का cot θ/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें आराम से। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, और आप ही के मदद से हमारा चैनल ग्रो भी करेगा, अगर आप जितना लाइक करेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हमें आपको बहुत यूजफुल होगा, और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज यहीं पे वीडियो का समापन, आने वाले लेक्चर में जो बचे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 6 के बाद से, यानी 7 से जितने 10 हैं 11 हैं जो है उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।